माता दी सभी को स्वागत है आप सभी को चैनल में। एक बार फिर से आशा करता हूँ माता रानी और महादेव की कृपा पर बन रही होगी। हमारे यहाँ इतने सारे मठ मंदिर क्यों होते हैं? आखिर क्यों हमारे पूर्वज हमारे ऋषि मुनियों के मन में आया कि हमें जगह जगह पर मंदिर बनाना चाहिए और इतने सारे मंदिर हमें देखने को मिलता है। कहीं पर बड़े बड़े मंदिर होते हैं जहाँ पर ज्योतिर्लिंग तथा कई पौराणिक कहानियों से जुड़े हुए स्थान होते हैं। कहीं पर हम स्वयं से कोई मंदिर स्थापित करवा देते हैं, कहीं पर कोई शिला रख कर पूजा करते हैं। आखिर क्यों ऐसा? तो देखिए, कहीं पर किसी भी चीज़ की प्रतिमा की जब हम पूजा करते हैं तो उस प्रतिमा में उस वस्तु में उस आराध्य का ऊर्जा आ जाता है। देखिए, ऐसा है कि ब्रह्मांड में हर जगह ऊर्जा व्याप्त है। जो पर ब्रह्म है उनका ऊर्जा हर जगह व्याप्त है। हर देवी देवता हर भगवान का ऊर्जा हर जगह व्याप्त है। तो जब किसी स्थान में किसी देवता विशेष का मूर्ति या स्थापना किया जाता है और उनके संबंधित मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मतलब हमेशा उनके पूजा पाठ किया जाता है। जब कोई श्रद्धा भक्ति से वहाँ पर पूजा करता है तो उस श्रद्धा भक्ति जब वो अपने मन में प्रकट करता है तो उससे भी दिमाग से एक फ्रिक्वेंसी निकलती है, मंत्र जाप से भी एक फ्रिक्वेंसी ऊर्जा निकलती है। तो उससे क्या होता है कि वो जो शिला होता है या वो मूर्ति होता है या वो मंदिर होता है तो वो एक टावर के जैसे काम करता है। जैसे कि मूल ऊर्जा तो ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है, लेकिन जहाँ पर मंदिर स्थापित किया जाता है तो वो वहाँ पर जो उस ऊर्जा का उस शक्ति का जो फ्रीक्वेंसी है एम्पलीट्यूड है, मतलब जो कि उसका मात्रा है उसको बढ़ा देता है। कैसे? देखिए, किसी भी गांव में अगर किसी मतलब मोबाइल का नेटवर्क वीक होता है तो वहां पर तो नेटवर्क होता है, बस सिग्नल वीक होता है। और अगर उस गांव में उसी सिग्नल वाले उसी मतलब नेटवर्क के उसी मोबाइल के कोई टावर बिठा दिया जाए तब तो आसानी से सारी जगह उसका मतलब सिग्नल पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह होता है, ऊर्जा हर एक स्थान पर व्याप्त है लेकिन समानांतर स्थिति से। मतलब अगर कहीं पर वो उस ऊर्जा का ज़्यादा मात्रा चाहिए तो ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, जितना है उतना ही रहेगा। अगर वो ऊर्जा हमें कहीं पर थोड़ी जगह पर चाहिए तो ऊर्जा उतना ही रहेगा, घटेगा नहीं। लेकिन जब हम मंदिर स्थापित करते हैं तो क्या होता है कि वो एक टावर के जैसे काम करता है। वहाँ पर वो शिला होता है, वो एक टावर के जैसे काम करता है क्योंकि उसमें हमने अपने भाव से अपने श्रद्धा से अपने विचार से दिमाग से फ्रीक्वेंसी निकाली, हमारे अपने कुंडलिनी चक्रों से फ्रीक्वेंसी निकाली। उसके बाद जो पूजा पाठ होता है मंदिर में, शंख घंट बजते हैं, उसके बाद मंत्रोच्चारण होते हैं, तो उससे उसमें एक ऐसी सिस्टम की व्यवस्था हो जाती है कि वो वहाँ पर जो उसका मात्रा है उस देवी देवता का बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई मंदिर बड़ा होता है, कोई छोटी होती है, कोई किसी की महिमा परंपरा होती है। तो देखिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों की बात की जाए तो द्वादश ज्योतिर्लिंग उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर महादेव स्वयं प्रकट हुए थे। तो जहाँ पर वहाँ स्वयं प्रकट हुए थे साकार रूप में, मतलब उनका निराकार ऊर्जा हर एक स्थान पर था और वो कहीं पर साकार रूप में प्रकट हो गए तो उनका ऊर्जा उस स्थान पर बढ़ गया और वहाँ पर एक शिला स्वरूप में वो विद्यमान हो गए तो वहाँ पर उनका ऊर्जा अत्यधिक मिलेगा। और वैसे ही जब हम कहीं पर मंदिर की स्थापना करते हैं, मान के चलिए हम शिव मंदिर का ही स्थापना करते हैं अपने गाँव में अपने कहीं पर, तो वहाँ पर हम पूजा आराधना करते हैं तो वो वहाँ पर एक छोटी ऊर्जा के रूप में काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो मंदिर पुराना होता जाएगा, पूजा पाठ होता जाएगा, वैसे वैसे उस मंदिर का चमत्कार भी बढ़ते जाते हैं, उसका ऊर्जा क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से होता है, बड़े बड़े जो पौराणिक मंदिर होते हैं वहाँ पर देवता स्वयं साकार स्वरूप में प्रकट होने के कारण वहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होती है। और जब हम किसी मानव द्वारा अगर कोई मूर्ति या किसी वस्तु स्थापित होती है तो वो मूर्ति या वो मंदिर जितना पुराना होता जाता है उतना ही शक्तिशाली होता जाता है, उतना ही उसका बूस्ट करने का सिग्नल बढ़ता जाता है क्योंकि वो वहाँ पर हमेशा पूजा पाठ होती है और मतलब पूजा पाठ होती है, मंत्र उच्चारण होते हैं, इसीलिए उसका पावर भी बढ़ता जाता है। इसीलिए हमें मंदिर जाता रहना चाहिए, ये है मंदिर जाने का वैज्ञानिक कारण। और जब कहीं पर मंदिर स्थापित हो जाता है और वहाँ पर किसी देव शक्ति का
मतलब संचार होता है, तो वहाँ पर सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए जगह जगह पर स्थापना किया गया मंदिरों को, ताकि हमें ईश्वर का प्रचुर ऊर्जा मिले और हमारे यहाँ पर सुख शांति वैभव सब रहे। इसलिए ये विज्ञान है इसके पीछे। यही कारण था कि जगह जगह पर मूर्ति और मंदिर बिठाया गया, हमारे भगवानों के मूर्ति या मंदिर बिठाया गया, ताकि हमें हर एक जगह पर उनका लाभ मिले और उनकी व्यवस्था भी की गई। सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं होता, वहाँ पर पूजा पाठ भी होना चाहिए, तभी जाकर वो मंदिर काम करता है। तो इसीलिए देखिए, बड़े बड़े स्थानों में रोज पूजा होती है, बहुत सारे लोग श्रद्धा भाव से पहुँचते हैं, इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली स्थान बन जाते हैं। और गांव के भी अगर छोटे से मंदिर का भी रोज पूजा पाठ होता है, रोज व्यक्ति वहाँ पर दर्शन करने जाता है, तो वो भी एक चमत्कारी क्षेत्र बन जाता है, वहाँ पर भी ऊर्जा का संचार होता है। तो इस तरह से होता है मंदिरों की स्थापना और काम करने की प्रक्रिया। तो ये है वैज्ञानिक कारण मंदिर जाने का। तो अब मत कहिएगा कि भगवान तो मन में है, मंदिर जाकर क्या करेगा। अरे मंदिर जाएंगे आप, श्रद्धा भाव करेंगे, तो आपके श्रद्धा भाव से, आपके पूजा पाठ से उस क्षेत्र का ऊर्जा बढ़ेगा और प्रकृति को भी और वहाँ पर रह रहे जीव जंतुओं को भी, मनुष्य का भी कल्याण होगा। इसीलिए मंदिर जरूर जाना चाहिए, मंदिर जाने का ये वैज्ञानिक कारण है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई ऐसी ही दुविधा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।